हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आसिम रियाज के न्यू सॉन्ग के बारे में। जैसा मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था कि हाई स्काई ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बहुत ही जल्द आएगी और उसके बाद उसका टीज़र रिलीज हुआ, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो कल ऑफिशियल सॉन्ग आपको बताया रिलीज हो गया और थोड़ी सी मैं थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो रिव्यू नहीं बना पाया। लेकिन मैं बता दूँ कि सॉन्ग ने इंटरनेट पे धमाल कर दिया है। जी हाँ, लिटरली धमाल आप कह सकते हैं। सॉन्ग कल रिलीज़ हुआ और अभी अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग सेक्शन पे आ चुका है। अगर आप यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे वो कल से ही बना हुआ है। लगभग 18th पोजीशन पे जो है बना हुआ था, अभी 23rd पोजीशन पे बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है। व्यूज़ अगर हम बात करें तो एक दिन में लगभग 3 मिलियन व्यूज़ इसने क्रॉस कर लिए थे। और मैं आपको बता दूँ, लाइक्स और डिसलाइक भी अगर आप इस सॉन्ग में देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त है। चलिए पूरी बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। आसिम रियाज ने खुद लिरिक्स लिखे हैं और वहीं अगर हम बात करें तो आपको पता है बिग बॉस में आसिम रियाज ने जो कुछ देखा है, जो कुछ फेस किया है, उसके बारे में भी सॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो जॉन सीना का ट्वीट हो, जॉन सीना का सपोर्ट करना हो या फिर और बात है। और अगर मैं आपसे बात करूँ आसिम रियाज की, तो आर्टिस्ट खुद आसिम ने ही गाया है, रैप लिरिक्स आसिम ने लिखे हैं। लेकिन म्यूज़िक की बात करूँ तो चरण ने इसमें म्यूज़िक दिया है। अब बात करते हैं ऑफिशियल सॉन्ग की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें हमें देखने को मिलेंगे आसिम रियाज के ब्रदर उमर रियाज और उनकी गर्लफ्रेंड आप कह सकते हैं हिमांशी खुराना। तो उसमें देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी झलकियाँ हैं इन दोनों की, लेकिन देखने को ज़रूर मिलते हैं म्यूज़िक वीडियो में। दूसरी बात, म्यूज़िक वीडियो की पैसा अच्छा खासा खर्च किया गया है प्रोडक्शन में और वो देखने को भी मिलता है। चाहे आसिम रियाज के स्टाइल हो, आसिम रियाज के कपड़े हो और जिस तरह से इस पूरी म्यूज़िक वीडियो को शूट किया गया, बैकग्राउंड में आपने देखा होगा एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिरिक्स की। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मिक्स दोनों इसमें किए हैं, साथ साथ पंजाबी भी यूज़ की गई है। तो लिरिक्स की बात करें तो इन तीनों लैंग्वेजेस में इस सॉन्ग के, रैप सॉन्ग के लिरिक्स थे, जो कि लिरिक्स अगर आप देखें तो मैं कहूँगा अच्छे खासे थे। आप देखें कि प्रोफेशनल जो रैपर्स होते हैं कुछ उसी तरह से आपको लिरिक्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर हम बात करते हैं अब म्यूज़िक की, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था। बीच में अगर आप देखें तो आसिम की एक हुक लाइन भी आती है बीच में, जो कि बीच बीच में वो बोलते हैं, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं सॉन्ग को एक कैची बनाती है, कैची सॉन्ग। तो ओवरऑल सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, म्यूज़िक वीडियो काफ़ी लग्जरी थी और यही कह सकता हूँ कि मुझे सॉन्ग अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है, रिव्यूज़ जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लाइक्स और डिसलाइक्स से मैंने कहा ज़बरदस्त लाइक्स हैं 96,000। जी हाँ दोस्तों, आसिम के सॉन्ग पे कभी भी इतने ज़्यादा रेशो गैप नहीं होता, क्योंकि हेटर्स आपको पता है बिग बॉस के समय के जो हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसलाइक करने आ ही जाते हैं। लेकिन इस बार हेटर्स को भी आसिम ने जो है कहीं ना कहीं फ़ैन बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ 3,000 डिसलाइक हैं और लगभग 1,00,000 लाइक होने वाले हैं। बल आपको जो भी कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।